अस्सलाम वालेकुम, तो मैं इस वक्त चाइना के शेंजहन के वर्ल्ड एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हूँ। इधर आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी मशीनें लगी हुई हैं जो SMT कंपोनेंट्स को असेंबल कर सकती हैं, और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हाईटेक मशीनरी है। ये लाइन 12 का मेट्रो स्टेशन है, फूहाई वेस्ट स्टेशन। मैं इधर से निकलूँगा और जाऊँगा एक जगह पर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेशन की तरफ चलेंगे। इधर ड्यूटी की मशीनें हैं, बड़ी ज़बरदस्त चीज़, पुरानी है लेकिन ये कबाड़िया सा ही है, लेकिन इसने ये मशीनें जो है ना इधर बड़ी ज़बरदस्त लगाई हुई है, रिपेयर भी की हुई है। इसके पास नए मॉडल्स भी हैं और पुराने भी हैं, उसके पास सारे पार्ट्स भी लगा हैं कि अगर आपको मसला आता है तो आप फ्यूचर में इससे वो जो है ना चीज़ें खरीद सकते हैं। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इसके साथ काम करूँगा, उम्मीद तो है, और फ्यूचर में करीब इंशाल्लाह आपको ये मशीनें हमारे पास मिल जाएंगी। इधर यूके की जैपनीज मशीनें हैं, बड़ी ज़बरदस्त शानदार किस्म की। मैं ये विज़िट करने लगा हूँ सीमेंस, और फ्यूचर में ये मेरी मशीनें खरीदने का इरादा है ताकि मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकूँ। तो ये मैं ये मशीनें दिखा रहा हूँ आपको, 2060 है। ये ऐसे असम्बल करेगी जी PCB को। ये जो मशीन है मेरे सामने ये 2010 का मॉडल है, और इसके अंदर 6 नोजल्स लग जाते हैं, और इसकी कीमत इस वक्त 220,000 yuan है, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 1 करोड़ का बनता है। इसके 4 हेड्स हैं। ये वाली जो मशीन है ये 2050L इसका मॉडल है। ये इसकी स्पीड है जिस स्पीड पे ये असेंबलिंग करती है, 80,000 yuan इसकी प्राइस है, यानी ये तकरीबन 40 लाख रुपये की है। ये भी एक मशीन है जिसकी 90,000 RMB प्राइस है, और ये तकरीबन 45 लाख की बनती है। इसके अंदर 6 हेड्स हैं, और ये छोटे PCB जो हैं, स्मॉल PCB हैं, उनको भी शानदार तरीके से असम्बल करती है, और इसका मॉडल 2006 है। ये वाला 2021 का मॉडल है, और ये सिर्फ 5700 आवर ही इस्तेमाल हुई है। इसकी कीमत जो है ना 3,30,000 RMB है। इसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पाकिस्तानी रुपीस बन जाएंगे। ये SMD PCBs जो हैं उनके ऊपर पेस्ट को प्रिंट करने के लिए स्टेंसिल लगाएं, और ये ऑटोमेटिकली उसके ऊपर जो है सोल्डर को पेस्ट कर देगी। ये जो DA की ब्रांड जो है उसकी है, ये $8,000 $8,000 इसकी प्राइस है, तकरीबन 24 लाख रुपये बनते हैं पाकिस्तान के। ये 03IX मॉडल है, इस पर भी आप स्टेंसिल लगाएं और अपने PCB जो है ना उसके ऊपर पेस्ट को प्रिंट कर लें। ये 2011 का मॉडल है, तो इसकी कीमत तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना 43 लाख रुपये बनेंगे। ये वाला मॉडल जो है ना ये 2017 का है, ये भी प्रिंटिंग मशीन है जो कि SMD पेस्ट जो है वो PCB पर प्रिंट करेगी, और इसकी कीमत जो है ना 60 लाख रुपया बनती है। और एक एवरी मशीन भी है, ये भी बिल्कुल नई ही है तकरीबन, इसकी कीमत जो है ना तकरीबन आप कह लें 90 लाख के करीब है। इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं इनसे ये मशीनें खरीदूँगा, तो मैंने कुछ और भी वेयर हाउसेज भी विज़िट किए हैं, और कुछ फैक्ट्रियाँ भी विज़िट करेंगे, कुछ चाइनीज़ कंपनीज भी हैं जो कि ये मशीनें बनाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर में ये मशीनें अपने पास लगाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी कॉस्टली तो हैं क्योंकि जैपनीज मशीनें, लेकिन आउटस्टैंडिंग है। थोड़ा सा पुराना वर्जन भी ले लेंगे, या नया वर्जन भी अगर हमारे जो है ना रेंज में आ गए। मैंने इधर एक शेंज़हन में एक वेयर हाउस SMD मशीन का विज़िट किया, अब मैं आ गया हूँ टाइमवे स्टेशन, इधर से मैं 9/11 पकड़ूँगा और अपने वापस डेस्टिनेशन की तरफ जाऊँगा। आ जाएगा, बड़ा पुराना और बड़ा ज़बरदस्त वेयर हाउस है, उनके पास करोड़ों की मशीनें पड़ी हुई थी। इस वक्त इधर की जो कबाड़ी है ना वो भी बड़े बड़े अमीर हैं, इंजीनियर्स हैं, और वो रिपेयर करते रहते हैं और मशीनें बेचते रहते हैं। इसी लेकिन कैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है, इतने इतने बड़े प्लाजे कैसे बन जाते हैं। शिकायत ना ले सुनो।
लेंगे एग्जिट। डी से हम लेंगे जी एग्जिट, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। अभी मैं जाऊंगा होटल, थोड़ा सा रेस्ट करूंगा, चाय पीऊंगा और फिर बाहर निकलूंगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी हुआचेंग में, मुझे एक दोस्त की कॉल आ गई है। ये देखिए, ये एक भाई मुझे और मिल गए इधर, ये खड़े हो के इधर क्या कर रहे हैं, ये खड़े हो। मैं लाभ भी लेना कितना कितना। अस्सलाम वालेकुम भाई, सलाम, ढूंढ लिया आपको माशाल्लाह। देखे मैंने फिर इनको ढूंढ लिया, ये मिल ही जाते कहीं भी जाए, कहीं ना कहीं भी जगह के सब मिल जाते हैं। उस्मान भाई को भी मैंने ढूंढ लिए थे। यहाँ भी मुलाकात होती है, वहाँ पाकिस्तान में रह के इधर मसरूफियात ज़्यादा होती हैं, इधर मसरूफियात कम होती है। इसका मतलब आप इधर फारिग फिर लाइफ जा रहे हैं, इतना लोग कहते हैं ना मैं फारिग फिरते रहता हूं, बिल्कुल हम ऐसे इधर फारिग फिरते हैं। वाकई सही लोग कहते हैं जी, उत्थे तुसी घूमन फिरन जाते हो ना, रिलैक्स करके बैठे हैं माशाल्लाह, और प्यारे और भी लग रहे हैं दोनों भाई। ना मेरे साथ इनकी कोई ऐसी बॉन्डिंग है रिजवान भाई, अच्छा मैं दुनिया में किसी जगह पे हम हो ना हमारी मुलाकात जरूर हो जाती है। वेरी गुड, मतलब है कि आपसे मोहब्बत रखते हैं, दिल से राह होती है। एग्जैक्टली रिजवान भाई, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आज भी इसी तरह भाई, ये उधर खड़े हुए थे मेरी बहन गुआंगजू में भी, गुआंगजू में नहीं नहीं रिजवान भाई, गुआंगजू में लिटरली गुआंगजू में मुझे नहीं पता था। काफी पाकिस्तानी मुसलमान लड़कियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਲਦਰ ਕਿਸੀ ਨਾ ਆਪ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਇੱਕ ਜੁਮਾ ਯਾਨੀ ਆਪ ਜੁਮੇ ਕੋ ਆਏ ਔਰ ਜੁਮੇ ਕੋ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜੁਮਾ ਪੜੇ। ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮਸਜਿਦ ਜਾਏ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨ ਵਕਾਸ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜੁਮਾ ਆ ਗਿਆ ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਪੜਨੇ ਜਾਏ ਜੁਮਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। मतलब मैंने जुम्मा पढ़ा है ना, पिछला जुम्मा पे पढ़ा कि मैं मजे की बात दूंगा आपको। आपकी मेरे से मुलाकात हुई सैटरडे को ना, फ्राइडे वाले दिन ना नमाज पढ़ने चला गया भैन जी, कैमरा कट के ना तो वीडियो बना रहा था, पढ़ नहीं समझ लै भैन जी करके मैं वीडियो बनाती, वीडियो ना मैं सारिया कंपाइल की ना जो नजर आया इंज लंघ साया नहीं लंघ रहा करके, मैं स्लो किया वापिस पिछे सो किया, मैं कोई बंदा जानने नहीं लगे जनाबे ने कहे सामने लगे मैं कोई कासिम साहब इधर ना जो पैदल चलने वाले हैं ना उनके लिए फिर भी कुछ रूल्स हैं, जो नए साइक्लिस्ट आए हैं ना ये वाले ईवी वाले के कोई असूल नहीं, ये जितों ही जो तो पिछों आ जाएंगे इधर उधर आ जाएंगे, कोई इन्हों का कोई असूल नहीं। ये आ गए हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट में, और हम लोग अभी खाना खाते हैं अभी चलते। मोस्ट इम्पोर्टेंट वॉक जो है ना वो है मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक जो ना करेंगे तो आपके सनराइजर भी हो जाएंगे। ये टर्किश नान है, ये चिकन विद जॉर्ज और ये की तरह के कुछ उम्र से ये हमारा खाना है, ये हम है और ये हमारी पार्टी है। ये वेली बैग यहीं तक कर दी, सोच दिए कि मैं करना की। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त है ये चीज़, कुछ भी बना ले हमसे नहीं बनेगी ज़्यादा, उसकी स्पीड है बनाने वाली है ना रिजवान भाई। वाओ मैं तो अपनी जवानी ज़ाया नहीं की थी, मैंने लगता कारीगर है माई उसने फिल्म पहले थी ले ली, फिर जवाने फिर नहीं आने। वीर पे संदूर रखना काहे काम दा थी। ये असल में वो मॉन्क्स हैं ना जो होते हैं ना बुद्धिस्ट, ये उनकी हैं, लेकिन इन इनमें इनमें मुझे चीज़ें नहीं समझ लगी, ये उनके क्या हैं? ये कंगी है,
हमने खाना खा लिया और बाकी जो दोस्त हैं वो अपने होटल चले गए हैं, मैं अपने होटल में जा रहा हूँ और मेरी उनसे गुआंगजू में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अभी मैं भी चलता हूँ होटल, काफ़ी टाइम हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।